कहते हैं, एक औरत की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आना लाजमी है। उसकी ज़िंदगी में समय समय पर बदलाव आते हैं, कभी किसी की बेटी बनकर, कभी किसी की पत्नी बनकर, या कभी किसी की माँ बनकर। ये सभी बदलाव उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे में वह कभी कुछ पाती हैं तो कभी खोती हैं, लेकिन उस औरत का दर्द इस दुनिया में कोई नहीं समझ पाता। कभी माँ बाप से बिछड़ने का दर्द, कभी अपनों को खोने का दर्द। क्यों भूल जाते हैं हम उस माँ को जिसने सभी दर्द को सहकर हमें इस दुनिया में जन्म दिया। वो औरत ही होती है जो अपने माँ बाप, पति, बच्चों के लिए सभी दर्द को सह लेती है, लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती। कुछ ऐसी ही कहानी गाज़ियाबाद में रहने वाली सरोज की है, जो लोगों के घर घर जाकर काम करती है और ज़िंदगी जीती है। मेरा नाम सरोज है। मैं जब 7 साल की थी तो मेरी शादी हो चुकी थी। ज़िंदगी जीने से पहले मैंने ज़िंदगी को संभालना सीख लिया। मैं जब 7 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी, मेरे को इतना ज्ञान ही नहीं था कि भाई ये शादी किसे कहते हैं, सास ससुर किसे कहते हैं। मैं तो सब सेरा वेरा बांध के जब बैठे हुए थे फेरों के ऊपर, तो वो जब पंडित घी वी डाल रहे थे तो मैं भी अपना वो चम्मच उठा रही, बार बार पकड़ पकड़ के वो मेरे को बिठा रहे हैं, मैं बार बार घी डालने जा रही हूँ। वो फूल दे रहे हैं तो मैं फूल हवन में डालने के बजाय मैं कहीं इधर फेंक रही हूँ, कभी उधर फेंक रही हूँ। बार बार देखे जा रही हूँ उनकी तरफ, ये क्या बांधे हुए हैं, इधर उधर देख रही हूँ, ये गीत वीत क्यों गा रहे हैं, उनको देख रही हूँ बार बार। अब मेरे को यही नहीं पता कि मेरी खुद की शादी है, यही नहीं पता था, ज्ञान ही नहीं था मेरे को उस टाइम। अब मैं 7 साल की उम्र में बच्चे में इतनी कहाँ बुद्धि होती है। फिर मेरे मामा ने मेरे को पकड़ा, ज़बरदस्ती पकड़ के मेरे को घुमा दिया, शादी में फेरे करा दिए। मेरे को तो एक खेल सा लग रहा था, हमें ये नहीं पता था कि शादी किस चीज़ को कहते हैं, क्या चीज़ होती है शादी। ढोल बज गए, शादी हो गई कुछ मालूम ही नहीं था उस टाइम। फिर 14 साल की होते मैं माँ बन गई, माँ बन गई। फिर होते होते मेरे 3 लड़की हुई, 3 लड़कियाँ हुई। 3 लड़की होने के बाद फिर मेरे पति की डेथ हो गई। वो दारू ज़्यादा पीते थे। मैं यहाँ अर्थले में रहती थी। अर्थले में मेरा आदमी राजगिरी के काम करते थे, ठेकेदारी का। वो ठेकेदारी का काम करते करते वो दारू ज़्यादा पीने लगे। जैसे इनकम होने लगी, ज़्यादा दारू पीते थे, वो हमारे मानते नहीं थे। दारू पीने लगे, दारू पीते पीते उनकी दोनों किडनी ख़राब हो गई। दोनों किडनी ख़राब होने के बाद जो मैंने मकान खरीदा था वो भी बिक गया। मेरी ऐसी स्थिति ऐसी हो गई कि मेरी 3 बेटी छोटी छोटी थी, मैं क्या करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहां जाऊं। अपने थे कोई, अपना नहीं, किसी ने हमारा कोई पूछताछ नहीं करी। मैं 3 बेटियों को लेके मैं फिर कोठियों में काम करने लगी, कोठियों में काम करने लगी। अपना किराए का मकान मैंने ले रखा था। ऐसे करते करते अपने बच्चियों को मैं साथ ले जाने लगी। फिर उसके 1 साल बाद मेरी दूसरी शादी मैंने कर लिया, बच्चियों के लिए, पालने के लिए, भाई इनका सहारा बन चाहिए। मैंने दूसरी शादी कर लिया, उन्होंने भी मेरा कुछ दिन तो 8-9 महीने कुछ ठीक ठाक रहे, उसके बाद उन्होंने साथ देना छोड़ दिया। वो मेरे ही टुकड़ों पे आधी हो गया, सोचने लग गया 3 बेटियों को अपना कमा के खिलाएगी तो मैं भी यही बैठ के खाऊंगा। उससे शादी करने के बाद फिर मेरे उनकी मेयर का 1 लड़का हो गया, उसी महीने में जिस महीने में मैंने शादी किया था, वो फिर मेरे को छोड़ के भाग गए। फिर उसके बाद आए जब बच्चा मेरे पेट में होने वाला था, वो मेरे को गाज़ियाबाद में, तो जाने के बाद 10 दिन बाद मेरे लड़का हो गया। लड़का हुआ तो 4-5 दिन मेरे पति मेरे पास रहे, फिर उसके बाद हम छोड़ के भाग गए। फिर मुझे बुखार होने लग गया, क्योंकि ना कुछ खाना ना पीना, अब करती क्या, ठंड में काम करने लगी। ठंड के महीने में मेरे बेटा हुआ था,
उसके बाद खाने पीने को कुछ था नहीं, उसकी वजह से मुझे दूध नहीं उतरता था, बच्चा दूध खेलता था, मुझे बुखार होने लग गया। फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने दूध बंद कर दिया कि इसको बच्चे को तुम ऊपर का अपना दूध नहीं पिलाओगी, बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी। अब दूध दूध मेरे पास और कुछ पैसा उसा था नहीं, बच्चे को दूध कहाँ से पिलाती, बच्चा मेरा एक महीने जिया, मेरा बच्चा ख़त्म हो गया। बच्चा ख़त्म होने के बाद फिर वहाँ से मेरे जिस किराए पे रहती थी मकान मालिक ने खाली करवा दी, भाई तुम किराया कहाँ से दे पाओगी, तेरा पति तुझे छोड़ के चला गया, वहाँ से जाके किसी और झुग्गी में रहने लगी, किसी कंपनी में काम करने लगी। तबीयत तो ख़राब थी, धीरे धीरे जाके मैं कंपनी में काम करने लगी। वहाँ से मेरे को 30 रुपये रोज मिलने लगे, 30 रुपये में अपने घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता था मुझे, लेकिन फिर भी क्या करती थी, 10 रुपये का उस टाइम आटा आ जाता था, 1 किलो 1.25 किलो आ जाता था, और मिट्टी का तेल भी 12 रुपये लीटर मिलता था, 10 रुपये का मिट्टी का तेल ला के स्टोव पे अपना कुछ 10 रुपये में आलू प्याज ये ला के बच्चों को बना के खिलाती रही, चलती रही करती रही। फिर उसके बाद फिर मेरे 40 रुपये मालिक ने कर दिया, भाई तेरे 3-3 बेटी हैं, 30 रुपये में कैसे खर्चा चलाती होगी, तो 40 रुपये मिलने लगा। मैं खाती पीती अपना, जैसे दवाई गोली तो कहाँ मिलनी थी, भगवान ऊपर वाले ने ऐसी मेहर करी कि मैं थोड़ा खाने पीने से, रोटी सूखी रोटी खाने से मैं थोड़ा बहुत ठीक होने लगी। तो उसके बाद ये मेरे पास आ गया, मेरा आदमी जो दूसरी शादी की थी ये वापस आ गया, आया तो ये बोलने लगा गाज़ियाबाद में मालीवाड़ा में कमरा लिया इन्होंने, वहाँ पर लेकर तो बोलने लग गया कि भाई देखो कमरे का किराया मैं अकेला नहीं दे पाऊँगा, तुम भी अपना कोई काम देखो, मैं अपनी लड़कियों को तीनों को लेके नेहरू नगर में काम ढूंढने लगी। वहाँ से काम ढूंढा, मैं एक कोठी में काम करने लगी। फिर ऐसे लगते लगते काम मिलते चले गए। फिर मैं अपना पैसे जो कमा के इन्हीं के हाथ में देती, ये क्या करते थे, मकान का किराया देते नहीं थे, राशन वासन भरते नहीं, कहीं इधर जुए में, कहीं गांजा पीने में, कहीं दारू पीने में अपना उड़ा देते थे, और बच्चे मेरे भूख के मारे, अब मैं कोठियों में चाय पानी अपना पी के कर लेती थी, टाइम काट लेती थी, बच्चों को तो खाने के लिए चाहिए ना। वो फिर मेरी कोठी वालियों ने मुझे समझाया कि भाई तू पैसा इसके हाथ में मत दिया कर, ऐसे बच्चों को कैसे पालोगी। मैंने पैसे जैसे ही बंद कर दिए देना, उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया मेरे को। एक दिन बारिश हो रही थी बहुत तेज, मेरे को पानी में दौड़ा दौड़ा के मारने लग गया, बोलने लगा पैसे ला के दो। अब मैं, मेरी कोठी वाले ने देख लिया उसको कि दौड़ा रहा है इसको और मार रहा है पकड़ पकड़ के। मेरे कोठी वाला बोला, साले अगर अब दोबारा यहाँ आ गया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तो फिर ये मेरे को छोड़ के भाग गया। अब मैं अपना माँ बेटी रहते हैं यहाँ पे, यहाँ गरिमा गार्डन में अशोक वाटिका में रहती हूँ, यहाँ पे अपना किराए पे मकान ले रखा है, अपना कोठियों में काम करती हूँ। अब मैं अपनी बेटी के साथ में रहती हूँ, हम दोनों माँ बेटी रहते हैं, और मैं घरों में काम करके अब मैं बहुत सुकून से रहती हूँ, अपना खुश हूँ।